नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। काफी दिनों से एक क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा है कि कोविड के दौरान बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर काफी बढ़ गया है, तो सर इसका क्या कारण है और क्या इसका ट्रीटमेंट है और इसे कैसे बचा जाए। सबका क्वेश्चन बेसिक एक ही है, तो अलग अलग पूछने का तरीका अलग अलग है, तो टुडे वी विल ट्राई टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ ऑल पेरेंट्स। सो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एंगर इन किड्स कोविड के दौरान केवल बड़ा है, लेकिन ये कोविड से पहले भी बच्चों में था और पहले भी होता था, बस फर्क इतना ही है तब हम इसको नजरअंदाज करते रहे क्योंकि ये एक लिमिट के नीचे था और अभी एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो गया है। तो देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, कम से कम पेरेंट्स ने पूछना शुरू तो किया है कि डिप्रेशन भी कोई चीज होती है और ये बच्चों में भी होता है, दैट्स अ गुड साइन ऑफ अ ग्रोइंग सोसाइटी। सो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कब मिलता है, जब आपको उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट रीजन पता हो कि वो प्रॉब्लम किस वजह से है। जब आप किसी चीज का कारण जान जाते हैं तो फिर सॉल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं। और विशेषकर मनोविज्ञान साइकोलॉजी में तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू नो द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, यू नो द रीजन ऑफ योर एंजाइटी, डिप्रेशन और योर एंगर, एंड यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द आंसर फॉर योर प्रॉब्लम्स। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग एंड इट हैज सम many basic root issues and those root issues need to be discussed by parents with their kids, with their children, and it's very important. So aaj hum keval ek root issue lenge bachchon mein depression anxiety ki wajah ka, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह पेरेंट इसको अप्लाई कर पाते हैं अपने बच्चों को मेंटली हेल्दी रखने में। बाकी रीजंस हम अगली लेक्चर्स में देखेंगे। सो मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन and they are part of our psychology, मनोविज्ञान के पार्ट है। और इसमें हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। एंड दिस इज नॉट अ टॉपिक रिलेटेड टू स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन ओनली, इट्स अ टॉपिक, इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल इंक्लूडिंग पेरेंट्स, एडल्ट्स, एवरीवन, राइट? बिकॉज हम कभी ना कभी किसी ना किसी को, हर आदमी को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, एंगर आता है, it's a part of life, but some people know it, how to manage it, how to control it, how to dissolve it, how to evaporate it, right? But others, most of the people do not know how to handle it, right? That creates various problems in the society. So the very first
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. हमारी जो एजुकेशन है उसने कभी भी इनर सेल्फ पर फोकस नहीं किया. There's too much focus on the outer information, on the outer knowledge and information of the outer world. Too much focus. It's only purely education is purely focused to for the knowledge of the outer world, for the information of the outer world. There's no information, no education provided to the children regarding his inner growth, his inner world. The very basic information about who am I. बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि basically आप कौन हो, right? Because there are so many reasons for that. We will discuss one by one. But it's highly unfortunate that in a country like India that has given Buddhas and Mahavira to the world. Buddha or Gautam jis desh ne duniya ko diye us desh mein keval 7% log yoga karte hain. Keval 7% log yoga karte hain. तो इनर ग्रोथ कितनी होगी, कैसी होगी, इसका अंदाज हम लगा सकते हैं. तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और हम कैसे पिछड़ गए, कैसे एक प्रफुल्लित भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, स्पिरिचुअली Enlightened India, आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ भारत कैसे पिछड़ता चला गया और अपनी खूबी को किस तरह वो भूलता गया. और इसका मेन कारण है हमारी गुलामी. हमने जो सालों साल जो गुलामी सहन करी, 300 years of enslavement by Muslims, Muslim invaders, around 150 years of enslavement by British, 300-400 सालों की जो गुलामी मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम अतिक्रमण का आक्रमणकारियों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा जो गुलामी हमने सहन करी, उससे हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता गया. उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे यू आर इंफीरियर और हम मानते गए. और साइकोलॉजिकली ये नेचुरल होता है कि आपका मास्टर जो आपको कंट्रोल करता है, जो चीज वो करता है आप उसको बड़ी आसानी से स्वीकार करने लगते हैं. है जैसे क्या होता है, जैसे कोई किडनैपर जब किसी को किडनैपर लेता है और काफी दिन तक किडनैप पर्सन किडनैपर के साथ रहता है, तो किडनैपर के साथ साथ रहते रहते किडनैप पर्सन को किडनैपर से लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, क्योंकि द किडनैपर इज इन कंट्रोल ऑफ द पर्सन. और ये हमारे माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है, जो हमारे कंट्रोल जो हमको कंट्रोल करता है हम उसकी चीज को बड़ी आसानी से स्वीकार करने लगते हैं, अदरवाइज उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस होने लगते हैं और ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस कि हमने अपनी ही इतनी सर्वश्रेष्ठ चीज को, अपने योग को जो हमारे ऋषियों मुनियों ने
हजारों सालों की तपस्या करके इस भारत देश में ध्यान योग प्राणायाम मेडिटेशन इतनी सर्वश्रेष्ठ विद्या को डेवलप किया, दुनिया भर में फैलाया और उसी विद्या को हम अपनी इनर ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पाए, बल्कि उसको हम इंफीरियर समझने लगे, एक खराब चीज समझने लगे और वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करने लगे, मेटेरियलिज्म को फॉलो करने लगे। सो दिस इज द वर्स्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू इंडिया और लास्ट सेंचुरी। सो this is the past, so now we need to go back to our roots for our inner growth, because hum keval apna sharir nahi hai, right? अब तो आपके जो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानने लगा, जो पहले बोलता था कि ह्यूमन बॉडी इज सिंपली अ फिजिकल बॉडी एंड देयर नथिंग एल्स, और अब वो खुद वो लोग मानने लगे हैं कि देयर इज समथिंग मोर देन दिस फिजिकल बॉडी इन आवर एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग हमारे योग का मजाक उड़ाते थे और हमारा मजाक उड़ा कर हमें इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देकर चले गए, हमारे लोगों ने योग करना छोड़ दिया, वही वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे योग को अपना चुका है। वेस्ट में योग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, लोग हजारों लाखों डॉलर कमा रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, वहाँ योगा एक फैशन हो चुका है, एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट एक्टर्स एक्ट्रेसेस दे हैव अडॉप्टेड योगा इन देयर लाइफ बिकॉज़ इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड दे आर हैप्पी टू अडॉप्ट दिस, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने देखा सैकड़ों सालों मेटेरियलिज्म को फॉलो करने के बाद उन्होंने देखा कि मेटेरियलिज्म इज नॉट द ओनली थिंग टू मेक लाइफ हैप्पी टू लिव पीसफुली, यानी भौतिक चीजों को भोग भोग कर वेस्टर्न सोसाइटी में सैचुरेशन आ गया। जैसे होता है ना कि आप एक ही सब्जी रोज रोज एक ही सब्जी आपको दी जाए, आप एक ही सब्जी खाते खाते आप बोर हो जाते हैं, आप बोर होने लगती है, तो भौतिकता को भोग 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 कर वेस्टर्न सोसाइटी से इतनी ऊब चुकी थी, ऊब गई कि उन्होंने योग का सहारा लेना शुरू कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट फाउंड एनीथिंग मोर इन मेटेरियलिज्म। और आपने देखा भी होगा कि द सुसाइड रेट्स इन द वेस्टर्न सोसाइटीज इन द वेस्ट आई मीन द अमेरिकन सोसाइटी एंड द यूरोपियन सोसाइटीज, सो डिस्पाइट बीइंग वेरी रिच डिस्पाइट बीइंग ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी the suicide rates increased in such societies because they followed only materialism, they outrightly rejected the inner self, they outrightly rejected who am I, right? so natija ye hua ki jo materialism
के लिए जो पागल थे, जिन्होंने पूरी दुनिया तक कब्जा कर लिया था, सिकंदर, राइट? सो सिकंदर जैसा आदमी जिसने मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही ऑक्यूपाइड एट दैट टाइम, एंड लेटर ही फाउंड दैट इट्स ओनली मटेरियलिज्म एंड मटेरियलिज्म कुड नॉट सेटिस्फाई हिज एग्जिस्टेंस, हिज बीइंग, हिज इनर बीइंग, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू कमिट सुसाइड. हिटलर ले लीजिए, हिटलर ने दुनिया को कब्जा करने की कोशिश करी, बहुत सारे देशों को जीता, तो आखिरी में उस इंसान के पास कुछ नहीं बचा. ही हैड टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करना पड़ा उसको. बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, they committed suicide because they accepted only the physical body, they neglected everything else, that nothing exists, and that led to abnormality, mental abnormality, psychological abnormalities, and they found no logic in living life and they committed suicide. So slowly and slowly these people started realizing that no, we are not the only body, we are not the only body, it's more than the physical body, and we have more than that, and we need to work on our inner growth, our spiritual growth. We need to know who we are, hum kaun hain, main kaun hu. We need to know, we should focus on our self awareness. हमें अपने बारे में मालूम नहीं है, सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि दुनिया का, परहैप्स यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट एनिमल ह्यूमन बीइंग, जिसका इतना पावरफुल माइंड है और जिसके पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जो चांद तक पहुंच गया है, मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, जो स्पेस में घूम के आ रहा है, स्पेस टूरिज्म इसने चालू कर दिया है, वो इंसान अपने तक नहीं पहुंच पाया. मतलब चांद तारों तक पहुंचने वाला आदमी अपने तक नहीं पहुंच पाया, जो इतना करीब है, इतना नियरेस्ट ऑफ द थिंग, इससे करीब कुछ नहीं हो सकता. आप के अपने अलावा आपके करीब और कोई चीज नहीं हो सकती. इस शरीर से भी करीब आप हो, राइट? ये इतनी बड़ी त्रासदी आखिर हुई कैसे? त्रासदी हुई हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम्स की वजह से. अमेरिकन सोसाइटीज ने केवल अपने आप को ह्यूमन फिजिकल बॉडी माना, उन्होंने केवल आउटर वर्ल्ड पे फोकस किया कि जो जो कुछ है बस यही बॉडी है, ये मर जाएगी उस बाद कुछ नहीं है, जितना भोगना है भोग लो, राइट? जितना चांद तारों पे जाना है घूमाओ, जितना अर्थ को बर्बाद करना है बर्बाद कर दो, राइट? ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, राइट? तो उन्होंने ये अप्रोच फॉलो किया और इस प्रोसेस में दे डिस्ट्रॉयड द प्लैनेट अर्थ इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द दे destroyed the earth, they destroyed the environment, jungle साफ कर दिए,
हवा तक ऑक्सीजन तक बची नहीं, जहरीली हवा पी इनहेल कर रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं, पॉइजन फूड खा रहे हैं, ये जो आदमी है, जो वेस्ट का जो आदमी है, उसने ये गलती करी कि उसने कि भोग को ही सब कुछ मान लिया, भोग को ही जीवन मान के रह गया, और रिजल्ट ऑफ दिस द डिस्ट्रॉयबल एंड ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ, और हमारा जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जो एक बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता था, ईस्टर्न वर्ल्ड आई मीन द इंडियन subcontinent and the nearby countries. So the eastern countries, they only followed spirituality in the beginning. Okay. So, तो एक केवल spirituality को follow करता रहा, एक केवल materialism को follow करता रहा. तो दोनों ही अधूरे रहे. जिसने materialism को follow किया, वो अपने आप को नहीं जान पाया, और जिसने अपने आप को जान लिया ईस्टर्न सोसाइटी में, उस जिसने अपने आप को जान लिया, वो केवल अपने आप को ही जान के रह गया, उसने अपनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन पे काम नहीं किया, और वो वैसे पिछड़ता गया. यानी किसी ने बैलेंस नहीं रखा, ना ईस्टर्न सोसाइटी ने बैलेंस रखा, ना वेस्टर्न सोसाइटी ने बैलेंस रखा. मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का हमें बैलेंस चाहिए, बिकॉज वी आर बोथ, वी आर द इनर वर्ल्ड एज वेल एज वी आर द फिजिकल बॉडी, राइट. सो वी नीड ए बैलेंस ऑफ द बोथ, राइट, मेटेरियलिज्म एंड द स्पिरिचुअलिज्म, वी नीड ए बैलेंस ऑफ बोथ. इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीबॉडी, for parents, everyone. So this is a mistake we committed, and इसके serious consequences हम देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं. There's so much of abnormalities, mental abnormalities, and these mental abnormalities are leading to various kinds of heinous crimes. We started following blindly the Western education system. We just copied their materialistic approach. We copied their education. We copied their materialistic way of life blindly, and we forgot our own roots. So this kind of education model has created living robots. हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स बन रहे हैं, वो लिविंग रोबोट्स बन रहे हैं. हमारा फोकस ये होता है कि बेटे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इतना फोकस रहता है, बस बनने पे फोकस रहता है. आप ये मत में ये बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, मैनेजर बनना है, वो बनना है, ये बनना है, नासा चले जाना है, नासा जाके ये करना है, वो करना है, ठीक है. बच्चे बन भी जाते हैं, क्योंकि उसको जो कहा जाता है वही बच्चा, उसी बच्चे तो एक प्योर एनर्जी होती है, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिसको जो इस तरह डाला जाता है, उतरे उस डायरेक्शन में काम करने लगते हैं. बच्चे डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, उसके बाद भी बच्चे कुछ नहीं रह पाते. छोटी छोटी बात पे डॉक्टर इंजीनियर सुसाइड कमिट कर लेते हैं. इसे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी इनर ग्रोथ हुई होगी ऐसे डॉक्टर्स की, ऐसे इंजीनियर्स की, ऐसे साइंटिस्ट की, जो छोटी सी बात पे सुसाइड कर लेते हैं. उनका कसूर नहीं है, बिकॉज उनको अपने इनर ग्रोथ के लिए जो एजुकेशन है वो ना अपने पेरेंट्स से मिली, ना अपनी सोसाइटी से मिली, ना अपने स्कूल से मिली, ना अपने एजुकेशन सिस्टम से मिली, बिकॉज दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू नो देमसेल्व्स. हम कौन हैं, यही इनको जानने का मौका नहीं मिला. हम क्या हैं, एंड व्हाट इज लाइफ, यही जानने का मौका नहीं मिला.
what is myself, what is soul, what is the Almighty. I mean, we outrightly rejected everything else. जो हमें दिखाई दिया हम केवल उसी का एक्सेप्ट करते गए, और जो दिखाई नहीं देता उसको हमने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ऑक्सीजन आपको कभी दिखाई देती है लेकिन है ना एयर में, आपने इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है वायर में लेकिन होती है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है लेकिन होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसको देखने के लिए जो आंख चाहिए वो आंख तुमने बंद कर रखी है, तुमने भी बंद कर रखी है और तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने भी बंद कर रखी है। तो बच्चे कैसे देख पाएंगे अपने आप? दिस इज एक तो एजुकेशन सिस्टम, दूसरा हमारी इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि नहीं 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 योगा ध्यान करना मत करो, ये बाबाओं का खेल है, बाबाओं की ढोंग है बाबाओं का, मतलब इतनी इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया तो बाबा, फिर बाबा में क्यों बुराई है? बाबा अच्छा, बाबा भी अच्छा कर रहे हैं, आपके डॉक्टर इंजीनियर पायलट साइंटिस्ट से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। रामदेव का 1000 करोड़ का 20000 करोड़ का टर्नओवर है, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर कर देख लीजिए, दुनिया को पीस एंड पीस भी दे रहे हैं, ध्यान योग भी सिखा रहे हैं, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। श्री सदगुरु देख लीजिए साउथ वाले, अभी बाबा बनने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब मेडिटेशन कर लिया तो बाबा हो गए, बाबा खराब होता है? व्हाट इज दिस? आई मीन वी आर सो मच इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स्ड, इतनी हीन भावना भरी हुई है इंडियंस में कि योगा कर लिया प्राणायाम कर लिया तो मतलब ये आदमी गया पागल है। वेल सो आई मीन हमारा ही हो रहा है। इट्स अ टाइम टू अवेकन, जागने का टाइम आ गया है, क्योंकि अपने बच्चों पे अपने एक्सपेक्टेशन थोप देना, केवल एक्सपेक्टेशन थोप देना और बच्चों को सहारा ना देना, बच्चों को सही दिशा ना देना, और फिर बच्चों को ब्लेम करना कि तुम ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, और ये बनने के बाद ही तुमने सुसाइड कमिट कर लिया, ये बनने के बाद ही तुम डिप्रेस हो गए। तो ये इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। इतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी कि ये नहीं बन पाए तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपने पर लेके देखिए, क्या आपने अपने पेरेंट्स की सभी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी थी? क्या आपके जो पेरेंट्स चाहते थे, शायद आपके पेरेंट्स ने भी आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करी होंगी जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी ऐसी जिनका कोई तोड़ नहीं है। आप अपने पर लेके देखिए कि मैटेरियलिज्म, क्या केवल मैटेरियलिज्म आपको सुखी कर पाया आपको अपने अपने जीवन में? जब बचपन में आपको एक साइकिल मिली थी तो इतनी खुशी आपको हुई थी कि बड़े होने पर आपने जो BMW खरीदा तब भी इतनी खुशी नहीं हुई आपको? तो एक साइकिल और BMW का जो सफर आपने तय किया, उसमें आपने देखा मेटेरियलिज्म को भोग के, और तो आपने पाया कि आपकी हैप्पीनेस कमी होती गई। मेटेरियलिज्म इज नो क्राइटेरिया टू बी हैप्पी। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये शौक, पार्टीज, यही केवल जीवन नहीं है, यही केवल आपको सुखी नहीं कर सकता है।
अगर सचमुच आप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, उनको लाइफ में हैप्पी देखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार ना हो, एंजाइटी के शिकार ना हो, तो टीच देम टू बी हैप्पी इन लाइफ, टीच देम टू टेक लाइफ लाइटली, टीच देम टू नो अबाउट इनर सेल्फ, दे मस्ट नो हु दे आर। उनको बताइए कि आप जानने की कोशिश करिए कि आप कौन हो, उनको करवाइए प्राणायाम, करवाइए योगा, करवाइए मेडिटेशन, करवाइए खुद करके देखिए। बच्चों के पास रोल मॉडल नहीं है, वो किससे, किसको देख के आप बच्चे योगा करना शुरू करेंगे? आप करते नहीं हो, स्कूल सिखाता नहीं है, तो बच्चे किसको देख के करेंगे? पहले आप करना शुरू करिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। बच्चा देख रहा है माँ भाग रही है, पिताजी भाग रहा है, मेटेरियलिज्म के लिए, सब कुछ मेटेरियलिज्म के लिए फोकस्ड है, रेट रेस में भागे जा रहे हैं, परेशान है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, ये बीमारी वो बीमारी, पर नहीं हमें एक अभी छोटी गाड़ी है तो नहीं, हमें तो BMW लेना है, हमें तो Lamborghini लेना है, हमें तो जगुआरी लेना है, गाड़ी तो है हमारी 10 लाख की गाड़ी, आजकल 10 लाख की है, कल आपके पास 1 करोड़ की हो जाएगी, फिर 8 करोड़ की हो जाएगी, कितना ही फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज छोटा घर है, बड़ा घर लोगे तो भी थोड़ा सा थोड़ी सी कुछ दिन खुशी होगी, फिर वैसा ही हो जाएगा, बल्कि आपकी परेशानियां दुख दर्द बढ़ने लगते हैं उनको मेंटेन करने में। सो इट्स टाइम टू थिंक कि जिस गलत डायरेक्शन में आप चले, आपके बच्चे ना चले। जो अंधाधुंध एक ही दिशा आपने फॉलो करी, वो एक दिशा आपके बच्चे फॉलो ना करें। आप अपने बच्चों को दोनों चीज सिखाएंगे, अपने बच्चों की इनर ग्रोथ भी करवाएंगे, अपने बच्चों का आउटर ग्रोथ तो वही रहा है। सो इट्स टाइम टू कम बैक टू योर रूट्स, टू ब्रिंग द किड्स टू योर रूट्स। और बचपन जो बड़ा ही नाजुक टाइम होता है, इसमें बच्चे को अगर बेसिक चीज बता दी जाए तो जीवन भर उसके काम आएगी। Because I am fortunate that I got such an opportunity to know myself, to know the inner self. As a student, when I was in Jawaharlal Nehru University, I got an opportunity to learn yoga, meditation, pranayama from Art of Living, very good teacher of Art of Living in JNU. And that changed my life completely. I was transformed. मेरे जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। जो काम मैं 8-8 घंटे में करता था, वो मैं 2-2 घंटे में करने लगा। मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस, अपने आप, हाई एनर्जी लेवल, हैप्पीनेस, स्पॉन्टेनियस स्माइल, स्पॉन्टेनियस, नो वरी, डू योर बेस्ट, एवरीथिंग। Because if you come to know about yourself, about your inner world, then you know there's so many things who are controlling your life. You alone are not controlling your life. So it's important that you come back to your roots, to bring your kids back to their inner self. You inspire them for their inner growth, and that's why some states in India have started the education for inner growth, like Delhi has started happiness classes. So in happiness classes, they make kids learn mindfulness, like meditation, right? And breathing techniques, storytelling, that lead to their inner growth, inner happiness. So it's time to adopt these things by other states also, and it must be a part of our educational curriculum. It is so much important. It's as important as your
एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मेडिसिन साइंटिस्ट स्पेस बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर फिजिकल थिंग्स आर फूड फॉर योर बॉडी स्पिरिचुअल ग्रोथ knowing yourself, the self-awareness, the inner self, the food for your soul. Soul भौतिक है नहीं होती है या आस्तिक नास्तिक का डिबेट अलग डिबेट है अलग टॉपिक है उसमें जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे पर ये बात मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्रूफ नहीं होता उसके लिए आपको पहले बिलीव करना पड़ता है विश्वास करना पड़ता है ट्रस्ट करना पड़ता है तभी वो चीज आपको एक्सपीरियंस होती है साइंस जो होती है पहले आपको प्रूव करना पड़ता है तब ट्रस्ट किया जाता है थिंग रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड उस फिजिकल वर्ल्ड को मेजर कर सकते हैं वो साइंस बन जाता है और जो फिजिकल वर्ल्ड का जो काउंटर बैलेंसिंग वर्ल्ड होता है एवोटिक वर्ल्ड जो होता है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी क्राइटेरिया एनीथिंग दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड बाय योरसेल्फ नोबडी कैन टीच यू दैट इनर एक्सपीरियंस दैट एवरीबॉडी हैज टू एक्सपीरियंस दैट इनर वर्ल्ड This lecture is not for everyone to possibly do it. It's just for that single person who wants the inner self growth. For that single student who wants to be happy in life. Wants to be ever peaceful in life, irrespective of his material success and failures. My lecture is for that student, for that person. Because I told you, Buddha also enjoyed materialism. He was a king. सम्राट था सब भौतिक सुख भोगने के बाद बुद्धा ने रियलाइज किया कि इट इज नॉट द ओनली थिंग देयर इज समथिंग एल्स इन माय इनटू माय माइनर वर्ल्ड समथिंग एल्स इनसाइड मी हु नीड्स समथिंग मोर टू बी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड दैट्स व्हाई बुद्धा लेफ्ट द फिजिकल मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स And he achieved the real bliss, which is beyond your physical pleasures. So, मैं नहीं कह रहा कि आप केवल बुद्ध बन जाइए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिर्फ कम से कम एक बार अपने अंदर भी छाप के देखिए कभी कभी दिन में एक मिनट दो मिनट चार मिनट अपने आप के लिए भी कुछ टाइम निकालिए 24 घंटे बाहर की दुनिया को आप देते हैं क्या आप इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आप अपने लिए 5 मिनट निकाल पाए ये तो आपको सोचना है कि आप कितना डिजर्व करते हैं और क्यों आप भौतिक चीजों के लिए भागते जा रहे हैं आखिरी में आपको भी रियलाइज होता है कि दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस मिस समथिंग आपको बाद में रियलाइज होता है तो आपके बच्चों को ऐसा फील ना हो बाद में से अपने बच्चों को इनर ग्रोथ का भी एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया दैट्स ऑल टुडे सो वी हैव कवर्ड टुडे ओनली वन टॉपिक That is spiritual quotient.
बच्चों में हमें स्पिरिचुअल क्वोशेंट डेवलप करना है। हमने बच्चों में इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो डेवलप करा है थ्रू आवर एजुकेशन, इमोशनल क्वोशेंट भी हमने सिखाया बच्चों को थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज, लेकिन हमें स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी बच्चों को देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट नीड्स टू गिव द एजुकेशन सो दैट हिज स्पिरिचुअल क्वोशेंट एसक्यू कैन इम्प्रूव एंड सो दैट ही कैन become a happy, peaceful person, contributing member in the society, other than an engineer, doctor, scientist, or anything else. That is one reason today we discussed why there is so much anger, anxiety, and depression in kids, not only kids and children, but also in society in general, because we have forgotten our inner world. We have neglected our inner growth. We have neglected the education for our inner growth. So this is the one aspect we have discussed today. One point, the most important point, the spiritual quotient. So this is the one region. So other regions and we will discuss in the next lecture one by one. Thanks.